शो गुड। हाँ जी सारे क्लास फैम मे हैव योर अटेंशन प्लीज। ठीक है, रिमेंबर वे वी लेफ्ट ऑफ इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट पैरेललिज्म। ठीक है, आपका सही नाम क्या था, मैं भूल गया। साजिद। ठीक है, साजिद है, हमजा, उजाम, दानियाल, महर। ठीक है, आप हैं आमना, हिरा, अजीज और कहा नहीं था, सॉरी मैं ड्राम आपका गलत प्रोनाउंस कर रहा था। ठीक है, ठीक है, पैरेललिज्म की बात करते हैं। पैरेललिज्म का मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, तो ऐसी लाइंस हैं जो कि एक साथ चल रही हैं एंड दे आर नॉट टचिंग टुगेदर वन अनदर एट एनी पॉइंट इन टाइम। पैरेललिज्म इन प्रोग्रामिंग इज द एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसकी कई मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। हमने बात की थी डेटा लेवल पैरेललिज्म की और टास्क लेवल पैरेललिज्म। दिस इज जस्ट अ रिविजन बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, डेटा लेवल पैरेललिज्म का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस या डेटा इन मल्टीपल डेटा, लेट्स से कमिंग फ्रॉम मेमोरी साइमल्टेनियसली। टास्क लेवल पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी तक हमने जो, अगर मैं एमपीआई की बात करूं, जो कोर्स हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने एक माइक्रो कंट्रोलर देखा था जो कि एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। ठीक, लेकिन वी कैन हैव सिनेरियोज वेयर वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर भी जब हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की, इंस्ट्रक्शन टास्क लेवल पैरेललिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये चार कैटेगरीज हैं। हम तीन पे देखेंगे इस क्लास के अंदर। हम रिक्वेस्ट, हमारे टाइम नहीं होगा रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म को देखें। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है, वेक्टर आर्किटेक्चर है या ग्राफिक्स प्रोसेसर है, और थ्रेड लेवल पैरेललिज्म है। अब ये तीन है, इनमें दो डिफरेंट है। एक दिस वन इज यूनिक, इनफैक्ट इन बाकी चारों में ये यूनिक है। ठीक, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिंग पैरेलल टास्क एट द सेम टाइम, तो इंट्यूटिवली आपके जहन में क्या आता है कि हमारे पास मल्टीपल कोर्स होंगे या मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, एंड दैट इज वाई आई एम एबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन ILP जो है, एंड दिस इज एन आर्किटेक्चुरल अप्रोच, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, ये इस तरह की अप्रोच है कि जिसके अंदर अगर आपके पास एक सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल कोर है, सो वी विल लुक एट टेक्निक्स वी आर यूजिंग जस्ट ए सिंगल कोर, वी आर एबल टू प्रोसेस मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ये बात क्लियर है? तो ILP जो है वो इस किस्म की काम करेगी। और एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, पाइपलाइनिंग को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आपको याद होगा पाइपलाइनिंग, याद है थोड़ा बहुत? दैट सॉर्ट ऑफ सूडो पैरेललिज्म। पाइपलाइन याद है कि नहीं याद? किसको नहीं याद, जल्दी से बताया, याद खड़ा करें। मैं पाइपलाइन मिसाल के तौर पर हमारे पास, अगर मैं, क्योंकि हम अभी MPSI पढ़ के आए हैं, उसकी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से मेरे पास लोड की इंस्ट्रक्शन है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, मूव की इंस्ट्रक्शन है, जंप की इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से, एंड लेट्स से नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शन साइकिल, सो मोस्ट ऑफ दीज आर टेकिंग वन इंस्ट्रक्शन साइकिल, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दे आर टेकिंग अ फ्यू क्लॉक साइकिल्स, एंड द रीजन व्हाई दे टेक फ्यू क्लॉक साइकिल्स इज बिकॉज एवरी द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स नंबर ऑफ स्टेप्स। एक स्टेप क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज पॉइंटिंग टू एन इंस्ट्रक्शन, सो यू हैव टू एक्चुअली पिक दैट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। सो फैच की स्टेज है, सो यू फैच द इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन गोज टू द ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड देन सम डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन दैट, मे बी इट नीड्स आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है ना, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि अगर आप लोड कह रहे हैं या अगर आप LDI कह रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज स्टेजेस आर गोइंग टू टेक टाइम। सो वॉट यू कैन डू इन अ सिंगल, नाउ दिस इज अ सिंगल कोर प्रोसेसर, बट यू कैन डिवाइड एवरी इंस्ट्रक्शन इन टू ए पाइपलाइन ऑफ, रादर नॉट, लेट मी से मल्टीपल स्टेजेस,
मल्टीपल स्टेजेस. तो हार्डवेयर का एक कंपोनेंट जो कि इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होगा, अगला जो है वो उसको कंट्रोल यूनिट के थ्रू इंटरप्रेट कर रहा होगा, आगे इंटरप्रिटेशन के बाद उसकी एक और यूनिट है जो कि हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स ड्राइव कर रहा हो, तीसरा हो जो उसको लॉजिकल यूनिट के थ्रू पास करेगा. बिकॉज आपको लॉजिकल यूनिट के थ्रू पास करने के लिए यू नीड द आर्ग्यूमेंट्स. लेट्स से अगर आप और कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सो लेट्स से कि यू कैन हैव मल्टीपल स्टेप्स, राइट. एंड द आइडिया इज दैट द हार्डवेयर एग्जीक्यूटिंग वन स्टेप इज नॉट द हार्डवेयर एग्जीक्यूटिंग द अदर स्टेप. जो हार्डवेयर है, द पीस ऑफ हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल टू पिक द स्ट्रिंग वेयर द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज पॉइंटिंग इज नॉट द हार्डवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हैपनिंग इन द कंट्रोल यूनिट. अदरवाइज इट्स नॉट द हार्डवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द आर्ग्यूमेंट और द वैल्यूज. ठीक है ना. ऑब्वियसली फिर ए एल यू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन के बाद वो डेटा जो है डेस्टिनेशन में रखा जा रहा है, राइट. तो एक इंस्ट्रक्शन लेट्स से हम पांच स्टेप्स में डिवाइड कर, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो लेट्स से एवरी इंस्ट्रक्शन, सो दिस लोड इज वन इंस्ट्रक्शन, बट इट्स अ पाइपलाइन इन द सेंस दैट इट मे बी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेप्स. ठीक है, जिसमें पहला स्टेप है कि वो फेच करेगा, और आखिरी स्टेप है कि वो जो भी वैल्यू जनरेट कर रहा है उसको डेस्टिनेशन पर राइट करेगा, राइट. और पाइपलाइनिंग का हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा जब आइल भी पढ़ेंगे. जो ये यूनिट ये काम कर रहा है, दैट इज नॉट द यूनिट विच इज डूइंग दिस वर्क, राइट. सो द आइडिया इज कि जब पहली इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है और वो अगली चली गई है, तो फिर मैं अगली इंस्ट्रक्शन फेच कर सकता हूं. ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूं फेच करना है, डीकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, या आर्ग्यूमेंट लेके आने, एग्जीक्यूट करना है, राइट करना है, राइट बैक. तो अगर ये मेरी लोड है और टाइम लाइन पे जिस वक्त ये फेच कंप्लीट हो गया है, तो जो फेच वाला मॉड्यूल है वो क्या कर रहा है, फारिग बैठा हुआ है. तो व्हाट कैन इट डू, इट एक्चुअली कैन फेच दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज दी एंड. और जब इसका फेच हो जाएगा और ये डीकोड कर रहा होगा, तो देन आर्ग्यूबली इट कैन एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन इसको हम डिटेल में देखेंगे. अब दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म इवन दो द कोर इज सिंगल. ठीक, तो ये एक्सेप्शन टू द रूल है, लेकिन इसको हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन भी है, इसमें प्रोग्रामिंग की भी इंटरवेंशन है. इसमें हम ये भी देखेंगे कि VLIW टाइप के हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं जो कि सिंगल कोर है, लेकिन उसमें हम कोई इस तरह के काम कर सकते हैं कि इवन दो वी हैव अ सिंगल कोर, वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल या पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो दैट वुड गिव अस सम लेवल ऑफ पैरेललिज्म. हम ये भी देखेंगे कि इसमें कुछ इस तरह के होंगे जिसमें कुछ किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल ही इनमें ओवरलैप नहीं होगा, तो आप उन तरह की इंस्ट्रक्शन को भी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकेंगे ऑन अ सिंगल कोर. लेकिन इसमें जो चैलेंजेस है वो किसी और किस्म के. जब हम बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स की या थ्रेड लेवल पैरेललिज्म ऑन ट्रू मल्टी कोर प्रोसेसर्स, उसमें जो चैलेंज है वो किसी और किस्म का चैलेंज है. और वो चैलेंज ये होता है कि मल्टीपल चैलेंजेस है. मैं आप शुरू से ऊपर से स्टार्ट करता हूँ. आप एक प्रोग्रामर हैं, लो लेवल प्रोग्रामर, लाइक लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज या नेटिव सी. तो अगर मैं आपसे कहूँ एक प्रोग्राम बनाए और आपने एक्सप्लॉइट करना है द फैक्ट कि जो कंट्रोलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चार उसमें कोर्स हैं. ठीक है, चार कोर्स हैं. तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपने प्रोग्राम बनाया, आपने 80 MB/s पे चलाया, लेट्स उसने एक खास स्पीड दी. आपके पास एक और कंट्रोलर लेके आता हूँ, उसमें चार कोर हैं, वो भी 8 MHz पे ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, कर दे प्लीज, वो भी 8 MHz पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब चार कोर्स हैं. विल यू गेट अ फास्टर प्रोग्राम इफ यू राइट अ प्रोग्राम? सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ ILP, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग नाउ. तो
और मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास मल्टीपल कोर्स हो तो चैलेंजेस मल्टीपल जगह पे होंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेमिस के हमारी डिस्कशन क्या है, और मैं इस चीज को शोकेस करने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ. तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके पास एक 8 मेगाहर्ट्ज सिंगल कोर प्रोसेसर है, आपके पास एक और प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर हैं वो भी 8 मेगाहर्ट्ज के. अगर मेरा प्रोग्राम इस वाले पे चल रहा है, मैं उसको उठा के दूसरे पे चलाना शुरू करूँ, क्या वो तेज हो जाएगा, आहिस्ता होगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही ट्रैक पे है. आप बताएं, आप में से किसी ने बताना, रीच आप बताएंगे, सेम होगा, स्पीड बेहतर होगी, स्लो हो जाएगा, क्या होगा? हाँ, तेज हो जाएगा, तेज क्यों होगा? किसको करने होंगे डिवाइड टास्क? हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी टास्क डिवाइड करने की? अब yes and no. Obviously, the architect would be responsible of giving you a mechanism. लेकिन अगर आप उस स्पीड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो प्रोग्रामर का चैलेंज आइए. देखिए, let me give you an example. आपके पास, यानी कि आपने एक ऐसा काम करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है. आपने यूजर को प्रॉम्प्ट करना है फॉर सम इनपुट ओवर अ बटन, ओवर फ्यू बटन, एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट यू विल प्रोड्यूस एन आउटपुट. एंड फॉर सम रीजन यू वॉन्ट टू हैव फास्टर लेटेंसी इवन. तो इमेजिन करें कि जो जो ह्यूमन है वो, तो उसकी टाइम इज नॉट अफेक्टर, यानी कि जितना तेज आप जा सकते हैं उतना तेज आपका ह्यूमन जा सकता है. आप सिंगल कोर पे भी करेंगे या मल्टीपल कोर पे करेंगे, यू विल नॉट हैव एनी डिफरेंस. And let me explain to you why. Because unless and until your problem is such that you can divide it into the program ki baat kar raha hu. Agar aapka program jo hai that is divisible into independent components, whereby where one component is independent of the other component is independent of the other component. Until and unless you can achieve that, aap parallelism ko exploit nahi kar sakenge. To ab architecture aapko kya de rahi hai? Architecture में दो पार्ट्स है ना, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और ISA है, राइट? तो आपको ISA हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑब्वियसली फैसिलिटेट करेगा विद द एक्चुअल मल्टीपल कोर्स इन हार्डवेयर, बट फर्दर मोर यू बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द फैक्ट दैट योर ISA इज गोइंग टू सपोर्ट दिस कैपेबिलिटी. ठीक है, अब आपने प्रोग्राम अगर बना रहे हैं और प्रोग्राम की नेचर ऐसी है कि इट्स ट्रूली सीरियल एंड एवरीथिंग व्हिच इज प्रीसीडिंग इट इज डिपेंडेंट, एवरीथिंग दैट इज कमिंग नेक्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीसीडिंग lines of code, then it will be very difficult to do it. Do you understand the problem? समझ आ गई है? फिर आपको समझ आई है कि मसला क्या है? नहीं समझ आ गई? रिपीट कर दूं क्या? आपको दें मिसाल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने जो है वो, जस्ट थिंकिंग ऑफ खाने की मिसाल दें, एक चूल्हा, आपके पास 4 चूल्हे हैं, ठीक है, और आपने बिरयानी बनानी है, 4 चूल्हों में बनाए, एक चूल्हे में बनाए, टाइम एक ही लगेगा. आई डोंट नो, मतलब पानी भिगोने का टाइम लगता है, चावलों में भिगोते हैं, फिर उसको आप चूल्हे पर रखेंगे, जितनी देर तक आपने उसको हीट करना है, व्हाटएवर द वॉल्यूम इज, मे बी यू कैन टॉक अबाउट वॉल्यूम obviously, but obviously we are trying to relate something to computing. So I would say if the volume is fixed, aapke paas 4 chule ho, aapke paas 1 chule ho, and the argument would be ki aapko time ek hi lagega, kyunki that is one task and every task is dependent on its preceding task in a sequence, which is your program basically, and there's nothing really by design you can do to exploit parallelism. लेकिन अगर आपको कहते हैं कि जी आपने एक, तो अब ट्रू सेंस में क्या होगा कि अगर मेरे पास सिंगल सिस्टम है और अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग टास्क हैं, तो ये है कि मेरे पास एक चूल्हा है, लेकिन मैंने सालन बनाना है, फिर मैंने रोटी बनानी है, फिर मैंने चाय बनानी है उसी चूल्हे पर, ठीक है. अगर मेरी प्रॉब्लम इस तरह की है, वेयर दैट इज ए सिंगुलर प्रॉब्लम, लेट्स से, सो द सिंगुलर प्रॉब्लम इज आई एम प्रिपेयरिंग अ मील,
that involves roti and some salan and some chai. But the problem can be divided into, ठीक है ना, तो अगर मेरे पास तीन चूल्हे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन नाउ एक्सप्लॉइट, यस विल, एंड देन देयर इज अ मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज, बट बिकॉज द प्रॉब्लम इज सच दैट आई कैन डिवाइड द प्रॉब्लम इन टू इंडिपेंडेंट पार्ट्स, आई कैन एक्सप्लॉइट दम ऑन सेपरेट कोर्स. ठीक है, लेकिन देयर इज एन इश्यू ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, बिकॉज इफ इट्स अ सिंगुलर प्रोग्राम then I, the processes are also in addition to that talking to one another. There's some kind of coexistence, acknowledged coexistence going on of the program. And there's an understanding. And then we want even smarter program sometimes. Now, this is because I said that there are many levels of problems, challenges. So it's not automatic that I do 10 courses, 8 courses, 20 courses, and my speed is going to increase. So that's just one side of it. क्योंकि अमूमन आगे programs इस तरह के नहीं होता, ये है कि आप you do multiple things and then maybe based on the circumstance there would be some operation going on and then you would say okay for this particular operation I want to, so you want your system to be smart enough to make that choice, maybe to recognize that this kind of task is a, you know, is a task which is, which can be parallelized, which can run in parallel. Let me give you an example. Like for example, if you're doing something, and then you say, okay, and at, you know, at this point in my program, I want to pick up 80 locations, 80 locations from my main memory and put that data onto an EEPROM, for example. Yeah, EEPROM is not a very good example. But let's say I wanted to pick it up from my memory, multiply them all by another. So let's say I want to pick up an array, and I want to pick up another array, and I want to multiply them and store them. Okay. So this is a sort of task which can be parallelized if there's some kind of order. यानी कि मेरे पास दो arrays हैं, तो पहला element उसके दूसरे array के पहले element से multiply करके, या किसी के साथ matrix logically, obviously not physically, but if it's a logical matrix in a memory, and I want to do some kind of matrix operation, I can do those kinds of things in parallel. बट देन तो अब यहाँ पे आर्किटेक्चुअली चैलेंज क्या है, आर्किटेक्चुअली चैलेंज ये है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, या आई एस आई के अंदर कम अज कम ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं ऐसा कोड लिख सकूँ कि जहाँ पे मैं मल्टीपल कोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा हूँ मैं करूँ. सो यस, दीज आर गोइंग टू गिव अस डिविडेंस, बट इट ऑब्वियसली यू नीड प्रोग्राम्स that have the capacity to be divided into independent modules. इसलिए आप देखेंगे कि जो embedded system में कई दफा microcontrollers इस्तेमाल हो रहे होते हैं, it's not because they're, उसकी it's, you don't need multiple cores कई दफा, तो आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अक्सर जो है वो single core होते हैं. ठीक है, अगर वो multiple core हैं then you should actually utilize those multiple cores, but we will talk about this thing. जी 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 हाँ जी, मैंने एग्जैक्टली यही बात की अभी. आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट आई मेड. आई होप यू अप्रिशिएट दैट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट आई वाज मेकिंग. सो व्हाट आई डिडंट यूज द वर्ड टास्क, आई सेड इट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्राम यू आर मेकिंग, बिकॉज एसेंशियली एनी टास्क यू आर आस्किंग अ प्रोसेसर टू परफॉर्म कम टू द प्रोसेसर इन द शेप ऑफ अ प्रोग्राम और कोड, मशीन कोड एसेंशियली. इवन अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम इज योर प्रोग्राम इज टॉकिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टॉकिंग टू द हार्डवेयर. आप रेस्पबेरी पाई पे काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू सेंड समथिंग ऑन द ईथरनेट केबल, या मे बी पिन्स हैं उनका आपने कोई चीज़ कनेक्ट की हुई है. सो इफ यू रनिंग ऑन टॉप ऑफ लिनक्स एंड यू आर डूइंग अ सी प्रोग्राम और अ पाइथन प्रोग्राम, बट एट द एंड ऑफ द डे everything is being routed through the processor. You can say the processor is the core of any computer. So operating system simply aapke liye kya kar raha hai ki wo jo low level pe aapne kaam kar raha hai aapse wide kar raha hai usko ek user friendly interface de raha hai. Even ki agar aap mouse move kar rahe hain,
Is that a software phenomenon or a hardware phenomenon? It is both, but it is going to route through the hardware. Like you would think, KG, this is my, you know, so I've got a mouse. Okay, let's say this is a mouse, strange looking mouse. इसको आप मूव कर रहे हैं और यहाँ पे आपको माउस एरो जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है एंड बट ऑब्वियसली दिस इज अ स्क्रीन बट मे बी दिस इज अ कंप्यूटर अटैच ठीक है ना देयर इज सम काइंड ऑफ कंप्यूटर ठीक है एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी लेवल ऑफ थिंग्स नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज विंडोज और विंडोज में आप माउस हिला रहे हैं लेकिन जो चीज डिस्प्ले हो रही है दैट इज एक्चुअली I hope you know this thing. कि जो चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है दैट इज एक्चुअली वॉट नहीं नहीं मतलब इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है एक जगह पर कोई गैस कर सकते हैं कहाँ पर होती है जो चीज़ डिस्प्ले नजर आ रही है आपको आपका जो चले मैं आपको सहन कर रहा हूँ जो आपकी लेट्स से मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ बाय द वे दिस इज ट्रू फॉर एनी लेवल ऑफ डिस्प्ले बट मैं आसानी के लिए बात कर रहा हूँ ये कंप्यूटर की बात करता हूँ कंप्यूटर के साथ आपने स्क्रीन लगाई हुई है लेट्स से आपके पास पीसी है स्क्रीन लगाई पीसी की जो स्क्रीन होती है वो लगती की तरह वेयर डू यू कनेक्टेड टू सीपीयू सीपीयू बने की ग्राफिक्स कार्ड पे सो दैट ग्राफिक्स कार्ड मे हैव अ जीपीयू मे नॉट हैव अ जीपीयू बाय द वे बट इट्स अ ग्राफिक्स कार्ड एंड इट हैज अ ग्राफिक्स मेमोरी ठीक है Or anything you're seeing on the screen is actually a manifestation of what's on the graphics memory. Always. And nothing else. Bilkul isi tarah se jab aap 16 by 2 LCD istemal karte hain, to anything you see on that 16 by 2 LCD is a manifestation of what's in the memory of the LCD. Yes? I hope you understand that. Theek hai? Jitne aapke pixels hain on the graphic, matlab जो ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट करता है मैक्सिमम उतनी आपकी मेमोरी होती है मतलब दिस इज एसेंशियली व्हाट इट इज ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी होती है ठीक है तो इफ यू सीइंग दैट इट इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज इन द मेन मेमोरी ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड व्हिच मींस व्हाट इट मींस दैट व्हेन यू मूव योर माउस तो आपको तो इंस्टेंटेनियसली नजर आता है कि आपकी स्क्रीन पर माउस मूव कर रहा है बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज व्हेन यू मूव योर माउस द ऑपरेटिंग सिस्टम had some services running, device drivers, उन्होंने डिटेक्ट किया माउस मूव कर रहा है एंड देन दे विल टॉक टेल दे विल एंड बाय द वे उनकी जो ये सर्विसेज चल रही है बाय द वे वो किसके ऊपर चल रही है दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू द हार्डवेयर बिकॉज मूवमेंट ऑफ द माउस इज यू नो दैट्स अ फिजिकल थिंग राइट आपकी जो तार लगी हुई है यूएसबी केबल जो लगी हुई है दैट इज सेंडिंग अ सिग्नल टू द बोर्ड सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव some services that are based on interrupts wo kehte hain ki chahiye mouse yahan pe movement hui hai based on that it will tell the operating system ke that was a mouse movement and then it will say okay what do we have to do and then it will talk go back to the hardware and say ki ji by virtue of now it will calculate how much your mouse moved so first it has some interrupts on the hardware it captures whatever signal change it gets based on that it calculates something aur kahega ki graphics card ko refresh kar do with this new information and that information is going to go through your hardware again theek hai ab wo kya karega graphics card mein jo data pada hai wo usko refresh kar dega pure ko ya partially whatever it depends on the so many ways refresh rate ye hota hai ki wo kis rate pe refresh kar raha hai to usse obviously under refresh rate aap nahi kar sakte theek hai agar uska refresh rate bahut slow ho to aapko लैग नजर आएगा ठीक है और ये पूरी जो कहानी हुई है आपके लिए क्या था कि आपने माउस इतना सा हिलाया बट देयर इज दिस होल थिंग गोइंग वेयर इंटरप्ट ऑन हार्डवेयर यू टॉक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट्स दैट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन इट जनरेट्स अनदर व्यू फॉर योर स्क्रीन एंड देन दैट इज राउटेड थ्रू योर हार्डवेयर ऑन टू योर मेमरी ऑन टू योर एंड देन दैट वुड मैनिफेस्ट ऑन योर स्क्रीन क्योंकि अगर मैं इफ आई ओवर राइट एनी थिंग दिस इज आई डोंट नो इफ यू डिड दैट सिस्टम प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ये कोर्स होता था आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों के वक्त निकाल दिया आपके सीनियर्स के वक्त निकाला है लेकिन हम लोग एक कोर्स यहाँ पढ़ाते थे जिसके अंदर ये चीज़ हम करते थे कि लिटरली कंप्यूटर लैब में बैठा के
we would do these kind of programming where you could actually basically display anything you want on the screen, like literally program to display anything directly onto the graphics card. ये करके आप देख भी सकते हैं घर पे, अगर PC पे. But this is what you have to understand. Now, data level parallelism, task level, हमने बात कर ली है. मैंने ये भी बात कर ली कि ILP क्या है, हम इसको डिटेल में देखेंगे. उसके बाद हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे. हम लोग रिक्वेस्ट लेवल पैरेललिज्म को नहीं देखेंगे, ठीक है. तो इस कॉन्टेक्स्ट को याद करते हुए टैक्सोनॉमी, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन. तो फ्लिन की क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर इसने कहा है कि चार किस्म की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, जो हमने देखा था 80 Mega 328P के अंदर. सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स, ठीक है. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स, सिंगल डेटा स्ट्रीम, एंड यू विल नॉट सी एनी कमर्शियल यूज. और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ये दिस इज क्वाइट कॉमन. मैनी ऑफ योर कॉमन प्रोसेसर्स टुडे आर MIMD. जी बताएं, डिकोडर में मल्टीपल नहीं, डिकोडर में नहीं. किस तरह से हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं ना. That is, again, that's not a processor, first of all. What is a multiplexer? Multiplexer simply ek traffic manager. So, aapke paas 8x8 into 1 multiplexer hai. Iska matlab hai aapke paas 8 streams of things coming in into the multiplexer, and you can choose to pass one out. So, that's a different concept altogether. हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि देखें इंस्ट्रक्शन क्या होती है. जैसे मैंने लिखा, लोड एक इंस्ट्रक्शन है, स्टोर इंस्ट्रक्शन है, LDI है, मूव है, जंप है, इस एड और ये इंस्ट्रक्शन है. अगर मैं कहूँगा मैं इस तरह का प्रोग्राम लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं इस तरह का प्रोग्राम लिख सकता हूँ. इमेजिन करें ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है. स्टोर, मूव, एड, ठीक है. ये मेरी लाइन 0 है, ये मेरी लाइन 1 है, ये मेरी लाइन 2 है, एंड सो एंड सो फोर्थ. और मैं आपको एक ऐसा ISA देता हूँ जिसके अंदर मैं इस तरह का कोड लिख रहा हूँ. और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि पहले साइकिल पे ये भी एग्जीक्यूट होगा, वो भी एग्जीक्यूट होगा. दूसरे साइकिल पे ये भी एग्जीक्यूट होगा, वो भी एग्जीक्यूट होगा. तीसरे साइकिल पे ये भी एग्जीक्यूट होगा, वो भी एग्जीक्यूट होगा. You understand my point? So that would be an example of a full support on ISA for fully using multiple core, two cores at the same time. ठीक है. Obviously, अगर हम cores की बात करेंगे तो हर core का अपना register होगा. That is the core, right? So every core would have its own registers. लेकिन अमूमी तौर पर जब आप मल्टीपल कोर की बात कर रहे होते हैं, व्हाट डजंट व्हाट देयर थिंग्स दे वुड शेयर ऑब्वियसली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरिफेरी दे आर गोइंग टू शेयर. सो इफ यू आर राइटिंग टू अ पेन, रीडिंग फ्रॉम अ पेन, स्पेशली इफ यू आर राइटिंग टू अ पेन, राइट, तो दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड रिसोर्स. काशिफ फॉलो कर रहे हैं? नहीं समझ आ रही? यस नो, हाँ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं. Let me just see if, आगे मैं देखता हूँ, मेरे को डायग्राम हो पीछे मेरे पास याद आएगा. मैं देखता हूँ if it's there. I'm surprised I don't have that diagram. Should have it. मुझे लगता है मैंने गलती से डिलीट कर दिया. एक सेकेंड है जी काशिफ. चलिए ये क्या है डायग्राम, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू दिस आइडिया. मैं इसको रखना चाहता हूँ एक सेकंड में. लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टी कोर सिस्टम, राइट.
तो ये पहला कोर है, दूसरा कोर है, तीसरा कोर है, चौथा कोर है, बल्कि सही, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। अब इसकी अपनी रजिस्टर्स, इसके भी अपने, अगर 32 रजिस्टर हैं तो इसके भी, इसके भी, इसके भी, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर मैं उस तरह का कोड लिख रहा हूँ तो उसमें अगर मूव कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं आएगा, यानी एनीथिंग आई एम डूइंग विद अ रजिस्टर वुड नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किन चीज़ों पे आएगा? एनी रिसोर्स दैट इज शेयर्ड। नाउ इफ दिस माइक्रो कंट्रोलर हैज पिन्स एंड मे बी यू कैन प्रोजेक्ट डेटा ऑन दोज पिन्स और यू कैन रिसीव डेटा ऑन दैट दोज पिन्स, तो एनी वन ऑफ दीज कोर्स could be using the same pin at the same time. Any rather, and more than one of the cores could be using the same pins at the same time. Yes? Because it is a shared resource. What else is a shared resource, do you think, in this diagram? Ji? Main memory. So, iska matlab ye hai ki agar main is kisam ke scenario mein is tarah ka kaam kar raha hu, या तो दिस कैन पोटेंशियली कॉज हैजर्ड्स। वी स्टिल टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, राइट? बिकॉज कोर वन इज टॉकिंग टू द मेमोरी, कोर टू इज टॉकिंग, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक टू द मेमोरी एट द सेम टाइम? मे बी येस, मे बी नो। बट सो इफ इट्स नॉट अ, इट्स नॉट पॉसिबल, तो पहली बात है कि इसका मतलब है कि मेमोरी ऑपरेशन में मल्टीपल कोर्स का मुझे फायदा नहीं होगा। इफ आई कैन नॉट टॉक, if I cannot have multiple communications with the main memory simultaneously, then I don't, this is not even giving me a lot of benefit. ye baat samajh aa rahi hai? nahi samajh aayi to bata de. mere paas bahut sare resources hain is case mein, khansame hain bahut sare, chule bhi bahut sare hain, khansame bhi, char khansame, char chule, theek hai, bartan ek hai mere paas, तो मुझे चार चूल्हे, चार खानसानों का फायदा होगा अगर मेरे बर्तन एक। तो ये मैंने एक मिसाल दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बर्तन, अब चीज ये है कि आई कैन डू प्योरली प्रोसेसर बेस्ड स्टफ इन टैंडम एंड मे बी दैट्स फाइन, लेकिन इट सो हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोसेसिंग, यूजुअली इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड डेटा इज गोइंग टू कम नॉट फ्रॉम योर रजिस्टर्स, इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम योर मेमोरी। नाउ अभी हम एक चीज फिनोमेना में देखेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर मेरी मेमोरी जो है वो सिर्फ एक से बात कर सकती है, दैट्स नॉट टू बिग अ प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव दीज थिंग्स। कैश, तो कैश क्या करेगी कि अगर मैं मेमोरी के एक हिस्से से बात कर रहा हूं ना, मेरा कोर वन, तो वो एक के साथ बात करने के बजाय क्या करेगा कि पूरा ब्लॉक उठा के इसकी कैश में डाल देगा। इसी तरह से का पूरा ब्लॉक उठा के उसकी कैश में डाल देगा, उसका पूरा ब्लॉक उठा के इसी कैश में डाल देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अगेन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट दिस इज लाइक एन ओवरव्यू। बट आई एम जस्ट आस्किंग, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, लाइक कि ओवरलैपिंग डेटा हो और फिर दोनों राइट कर रहे हो, कोर वन एंड कोर टू जो है दोनों वापस राइट बैक कर रहे हैं टू द मेन मेमोरी, and they are writing to the same location in the memory. So these are sort of problems that we should be visible. This, first of all, at this stage in the class, aapko ye clear hona chahiye. Agar main aapse puchungi ji kya ek multiple cores ek easy solution hai ya uska koi overhead nahi, to uske overheads betash hai. If you go for multiple cores, then you may have multiple additional problems, and then to solve those problems you have to do other interventions, and those interventions may be of hardware nature or they may be of architectural nature. See, intervention bhi wo kai nature ki ho sakti hai, but the first step is appreciation that these kinds of problems can exist. But aapne sawal pucha tha, I hope ke that covers it. Iske wapas aata hu isi slide pe, lekin before I go any further, I'm just gonna finish this thing ke Flynn ki taxonomy hai, ye aapko bas pata hona chahiye. It visualizes four possible types of architectures, जिसमें हमारा experience ही कहता है कि इस किस्म के जो architectures हैं ये they don't exist commercially,
but you have single instruction and single data. So I can execute one instruction at a time, and I can access one unit of data from main memory at a time. These kinds of architectures exist. जो आपने पिछले MPSI में जो किया था, that was this architecture. SIMD में क्या है कि single instruction, instructions एक ही execute होगी at a time. But many, some of these instructions would have the ability to talk to multiple locations on data at the same time. आपके जो GPUs हैं अक्सर वो इस जी मैं देखो वट एवर यू डू विद द डेटा लेटर ऑन आई डोंट केयर बट दैट हैज नो लेट्स से रेलेवेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द आइडिया इज के आप अक्सर क्या कर रहे होते हैं कि जीपीयू में किसी किस्म का ट्रांसफॉर्म टाइप ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं एंड यू डू इट ऑन द इंटायर मेमोरी ठीक है तो दैट मे बी अ सिंगल इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा था कि आप कहते हैं कि सारी लोकेशन को मैंने जो तस्वीर है पूरी तस्वीर को शिफ्ट करना है ऑन द स्क्रीन तो जो पिक्सल यहाँ है उसको तीन पिक्सल नजर कर दो डू दिस फॉर ऑल ऑफ देम लेट्स सो ऑन अ जीपीयू यू कैन यूज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड यू कैन से कि ये जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है ना शिफ्ट ऑल द पिक्सल्स थ्री पिक्सल्स टू द राइट डू दिस टू ऑल द डेटा एलिमेंट्स यू कैन डू इट अगर आप CUDA की प्रोग्रामिंग करेंगे देख तो आप उसमें ये यू कैन लिटरली राइट वन इंस्ट्रक्शन टू डू वन थिंग ऑन द एंटायर डेटा सेट या एव अ मैट्रिक्स एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई द ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बाय 23 आई कैन डू दैट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा क्या है कि आई कैन वर्क विद मल्टीपल डेटा साइमल्टेनियसली एंड आई कैन डू मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एज वेल ठीक है तो आई कैन डू दिस क्या आई गॉट अ साइज 10 मैट्रिक्स एंड साइज 10 मैट्रिक्स एंड आई वांट टू ऐड ऑल दोस एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूस ए अनदर मैट्रिक्स या फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके रोज की तादाद एन ए और दूसरे की कॉलम्स की तादाद एन ए एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई दोस या आई वांट टू डू समथिंग एल्स आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन द फर्स्ट रो इन द सेकंड रो इन द थर्ड रो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ MIMD where I can have multiple types of instruction running in tandem and I have the ability to talk to multiple data elements at the same time as opposed to I can run one instruction at a time and that instruction may be talking to one it may not be talking to any data element it may be talking to one data element it may be talking to number of data elements and then this kind of architecture jiske andar main एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता हूं और अगर मैं मेमोरी ऑपरेशन कर रहा हूं तो एक वक्त में एक मेमोरी के साथ बात कर सकता हूं वन लोकेशन वन एड्रेस वन लोकेशन ऑब्वियसली इसमें जो इंस्ट्रक्शन अगर डेटा इंस्ट्रक्शन होगी तो वो इंस्ट्रक्शन अमूमन आप उसको रेंज में दे सकते सो यू नो यू गिव इट ए स्टार्टिंग एड्रेस एंड एन ऑफसेट डिपेंडिंग ऑन द कोडिंग अगर आप उसकी मशीन कोड देखेंगे तो उसमें इस तरह होता है सर के स्टार्टिंग एड्रेस एंड ऑफसेट ठीक इस तरह होगा तो आप उस पर कर सकते समझ आ रही So today is a very exciting time to study computer architecture. क्योंकि industry में जब हमने last time discuss किया था कि पहले हमारे पास जो progression थी, Moore's law कहता था कि हर दो साल बाद अपनी capacity दोनों चीजें computing के speed और transistor density double कर सकते हैं every 2 years almost. But that is now slowing down. But we still want to progress at the same rate. ठीक है तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वी वर स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स मल्टी कोर्स और फिर हमने चीजें देखी कि अच्छा मजे की बात एक और चीज भी है जब आप में से कुछ आइडिया है न्यूरल नेटवर्क का आप लोग आइडिया है और किसी को आइडिया है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे काम किया किसी ने कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा हो न्यूरल नेटवर्क्स कितने पुराने आपके ख्याल में बहुत पुराने हैं अक्सर लोगों ये अक्सर जो डैबल कर रहे हैं उनको नहीं आइडिया कि दीज आर लाइक रियली रियली ओल्ड एल्गोरिथम्स दीज एल्गोरिथम्स आर क्वाइट ओल्ड आई एटलीस्ट द कोर एल्गोरिथम्स वर क्वाइट ओल्ड बट हार्डवेयर जो था जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर था फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट डिड नॉट सपोर्ट ऑपरेशंस ठीक है तो सो दे वर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स
but purely theoretical. You could not do anything practical with them, right? So this was now a soft concept, which is restricted by the lack of available hardware. Over a period of time, तो अच्छा क्योंकि अब ये field grow नहीं कर रही, ठीक है ना, image processing की और उसके साथ associated, specifically मैं image space की बात कर रहा हूँ, neural networks and machine learning, right? So because there's no avenue to work on them, तो वो field क्या है, stagnant है. उसके बाद जो है वो GPUs, which were made for something else, what were they made for basically? Gaming and graphics, right? And then, आज से आप 15 साल पहले, 10 से 15 साल पहले जाएं तो GPUs जो हैं, that were actually designed for gaming and graphics, वो उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया. And वो तो बाद, वो भी एक interesting example है. So, उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ in machine learning, in training machines. ठीक है, जब training machine से मुराद है, I'm talking machine learning now. ठीक है, या I'm talking neural network specifically. ठीक है, CNNs की बात कर लें, RCNNs की बात कर लें, so on so forth. तो जब उसके ऊपर काम शुरू हुआ तो जो ये फील्ड है वो भी ग्रो, क्योंकि आप उसकी मैनिफेस्टेशन है, आप उसको प्रैक्टिकली बना सकते हैं. तो अब क्या हुआ कि वो फील्ड भी ग्रो करना शुरू कर दी. जब वो फील्ड ग्रो करना शुरू हुई है तो क्या हुआ कि डिमांड अब आना शुरू हुई, यानी कि जो आपकी एंड यूजर है उसने देखा कि मेरा ये काम यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ. उसकी एप्लीकेशन बढ़ना शुरू हुई. जब उसकी एप्लीकेशन बढ़ना शुरू हुई तो अब वहाँ से डिमांड आना शुरू हुई. दिस वॉज नॉट फोरसीन. अगर इफ यू स्टडी आर्किटेक्चर्स, इफ यू लुक एट पेपर्स लाइक गोइंग बैक 20 years, 15 years, तो GPUs पे कुछ काम हो रहा था, लेकिन इट वॉज नेवर एक्चुअली, कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिलेगा फ्रॉम लिटरेचर बैक 20 इयर्स अगो कि उन्होंने ये चीज प्रेडिक्ट की हो कि दिस यू नो फील्ड ऑफ मैथ्स इज गोइंग टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. लेकिन व्हेन दैट हैपेंड देन उसकी इतनी तेजी से एक्सेलरेशन हुई कि अब क्या हो रहा है कि वो डिमांड क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो वो डिमांड क्रिएट कर रही है. एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स manufacturing of chips and accelerators that are designed for neural networks and machine learning specifically. So this is like, so why am I telling you this thing? Because now architecturally it's very interesting because a new field is emerging. So uski jo emergence thi, uska enabler bhi hardware tha, even though the hardware was first or something else. Lekin jab wo ban gaya aur usme kaam itni tezi se badh raha hai duniya bhar mein, कि अब वो क्या कर रहा है, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है. एंड इफ यू हैव इनफ डिमांड, इफ यू हैव सफिशिएंट डिमांड, देन यू विल गो फॉर लाइक ऑब्वियसली देन इट देयर इट्स देयर इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दोस काइंड्स ऑफ हार्डवेयर्स, दोस काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्लेटफॉर्म्स दैट आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो कि लोगों को चाहिए. तो अब हम देखते हैं इवन कि अगर यू नो ऑक्सिलरी हार्डवेयर एंड कोर्स भी आ रहे हैं फॉर न्यूरल कंप्यूटिंग, न्यूरल कंप्यूटर स्टिक्स आती हैं, आप देख सकते हैं कि जो कि आप रेस्पबेरी पाई पे लगा लें, लेट्स से, एंड देयर आर प्रोसेसर्स बट दे आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग और ट्रेनिंग स्पेसिफिकली एंड सो ऑन सो फॉर्थ. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जी चेंजिंग लैंडस्केप. सो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो आर्किटेक्चर था वो स्टैग्नेंट था. फिर मल्टी कोर की तरफ गया तो मल्टी कोर में भी आर्किटेक्चरल चैलेंजेस हैं, हमने आज डिस्कस किए, मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं, रिसोर्स कंटेंशन के चैलेंजेस हैं, इस बात के चैलेंजेस हैं कि इवन दो कि मैंने मल्टीपल कोर्स एक चिप पे लगा दिए हैं, हाउ कैन आई प्रोड्यूस और डिजाइन एन ISA दैट इज गोइंग टू मैक्सिमाइज माय एक्सप्लोटेशन ऑफ 4 cores या 8 cores या 16 cores. ठीक है, अच्छा प्रोसेसर के अंदर खाली कंप्यूटिंग स्पीड इज नॉट दी ओनली थिंग, और भी फैक्टर्स हैं जो हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत ज्यादा शायद ना देख सकें क्योंकि वो फिर इट गोज टू मच इनटू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन एक तो ऑब्वियसली साइज है, एंड देन हीट डिसिपेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और अगर आप इसमें सिर्फ बैठ के एक दफा इत्मीनान से गौर करें कि जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी है आपके पास प्रोसेसर्स में, मैं आज की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 8 साल पहले PC थे आप लोगों के पास घर में, कितने बड़े होते थे PC, अच्छे खासे बड़े, उसमें इतना बड़ा मदरबोर्ड, उसमें इतना बड़ा प्रोसेसर, उसके ऊपर इतना बड़ी हीट सिंक, उसके ऊपर इतना बड़ा पंखा. ठीक,
अगर आप गौर करें इस बात पे कि उससे 4 गुना 8 गुना कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी आज हमारे पास एक चिप पे है जिसके ऊपर ना हीट सिंक लगा हुआ है ना पंखा लगा हुआ है। किधर आपके मोबाइल फोन पे स्मार्टफोन। सो दिस एडवांसमेंट दिस जो ये गैप ब्रिज हुआ है गोइंग बैक मे बी 10 years अगो टू नाउ वेयर यू कैन हैव दैट सेम कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी ऑन ए ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड रियल स्टेट। एंड सबसे बड़ी बात यह कि जितना छोटा साइज होगा उसकी हीट डिसिपेशन एक्चुअली बाय द फिजिक्स ऑफ इट वुड गो अप। लेकिन आई मीन द वे दे हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज मल्टी डायमेंशनल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इट्स नॉट जस्ट एन आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन इट इज अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन द फिजिक्स ऑफ इट इन द फिजिक्स ऑफ मटीरियल्स इन द यूज ऑफ मटीरियल्स एंड अलॉयज एंड यू नो इन सिलिकॉन इन हां हाउ ट्रांजिस्टर्स आर मेड। मैंने आपको कहा था वीडियो दिखाऊंगा मे बी आई विल शो इट टू यू इन द नेक्स्ट class which has nothing to do with architecture but it is going to give you a context. छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो को मैं देख के आपको remind me in the next class I'll show it to you show it to the class which is going to show you okay how actually a chip is made that will give you some appreciation. So that a lot of work is being done. अच्छा और मैं आपको बड़ी interesting चीज बताता हूँ वो ये है कि कई दफा जिस तरह मैंने भी बताया कि हमने multiple cores देखे तो हमने देखा कि multiple cores होने की वजह से कई problems आ रहे हैं जिनको architecture solve करेगा। इसी तरह जब आप उसकी मिनिचराइजेशन करते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एंड देन दोज प्रॉब्लम्स आर आल्सो हैव टू बी सॉल्व्ड समवेयर। सो मे बी द सॉल्यूशन लाइज इन हार्डवेयर मे बी द सॉल्यूशन लाइज इन द आर्किटेक्चर एंड बाय द वे द सॉल्यूशन मे इवन लाइ इन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ इफ आई एम मेकिंग कंप्यूटर्स तो आइडियली आई वुड नॉट वॉन्ट टू पास ऑन द प्रॉब्लम टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है कि मैं आप कहूँ कि जी फाइन प्रिंट में लिख दूँ कि आप अगर ये काम करेंगे तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेते आप बात समझ रहे हैं तो ये दैट्स नॉट अ गुड आइडिया हो सकता है क्यों कर रहा हूँ। ठीक है तो ये प्रॉब्लम्स हैं पावर एनर्जी के कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन के मेमोरी ये भी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अक्सर आप बाय द वे व्हाट इज द लार्जेस्ट मेमोरी यू हैव सीन रैम रैम कितनी बड़ी देखी आपने 16 32 GB। ये भी हम देखेंगे प्रॉब्लम मेमोरी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम विच इज लाइक नॉन इंटुइटिव एट दिस टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी में 32 से ऊपर जाना हमारे लिए वायबल नहीं है बिकॉज इफ इट गोज अबव 32 द अमाउंट ऑफ टाइम द ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग दैट मेमोरी एंड एड्रेसिंग दैट मेमोरी बिकम सो हाई कि हमें उसको इस्तेमाल करने की जो है ना वो वायबिलिटी नहीं वायबल नहीं रहता। आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट यूज इट इट इज नॉट वायबल फॉर यू येट ऑब्वियसली बट दैट इज इंटरेस्टिंग मतलब यू वुड थिंक कि जी रैम तो है और रैम की कॉस्ट है इट्स नॉट इवन सब्सटेंशियल सो मैं 16 GB रैम की बजाय 128 GB रैम की ना इस्तेमाल करूँ एंड दैट वुड गिव मी एन अमेजिंगली फास्ट कंप्यूटर एंड एक्चुअली दैट इज गोइंग टू गिव यू एन अमेजिंगली स्लो कंप्यूटर which is a fact if in fact it supports it. Lekin motherboards aapke mere khayal se 64 GB tak support karte hain maine 128 GB ka nahi dekha support abhi at least commercially ji jo premier pro ya woh kar ke size se again I'm talking about main memory right now aap jo baat kar rahe hain that is graphics ram mein batata hu aapko kuch jo platforms hai na जो कि प्योरली डिजाइन है फॉर ग्राफिक्स उनमें जो आपकी रैम होती है ना वो शेयर्ड रैम होती है। वो रैम इस तरह की होती है हमारे मेरे पास खुद भी पड़ा हुआ है अगर आप आए मेरे कमरे में पड़ा हुआ है 64 GB रैम वाला वर्क स्टेशन पड़ा हुआ है। ठीक है और उसमें हम वी आर जस्ट डूइंग ट्रेनिंग राइट नाउ। ठीक है तो व्हाट इट डज इज दैट इट उसका बहुत छोटा सा एक पोर्शन होता है जो कि मेन मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। सो इन द रोल ऑफ द मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी इज वेरी स्पेसिफिक वो बहुत छोटा होता है एंड अ लॉट ऑफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बाय द ग्राफिक्स कार्ड डू यू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड वी विल सी व्हाई द प्रॉब्लम इज सो इट विल बिकम क्लियर टू यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। सेकेंड चीज ये होती है कि ऑपरेशनली आपको प्रॉब्लम होगा। सो इफ यू आर यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी फॉर fast storage which is also a value fast storage lekin operationally if you're doing operations on them
हम देखेंगे कि जी 64 के बाद जो है ना आपको ऑपरेशनली कॉस्ट जो है वो उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे जी जी मैं नहीं कह रहा कि कंज्यूम नहीं करेगा, मैंने कहा था वाइबल एंड फिजिबिलिटी की बात की थी मैंने, आई डिड नॉट से इट विल नॉट वर्क. There's a difference between it will not work and it is not viable. ठीक है, तो चीज़ ये है कि काम तो करेगा, ठीक है. आप सबको मैंने फर्स्ट करें दामने को लेके आना है और मैं 6 बसें लेके आता हूँ सिर्फ आप सबको ले जाने के लिए, तो 6 बसों में आप चले जाएंगे. वाइबल होगा? वॉट इज वाइबल? वन बस. तो प्रैक्टिकली आई कैन नॉट एक्चुअली यूटिलाइज. एंड बाय द वे, एक और भी इंटरेस्टिंग बताऊँ कि कई वेंडर्स आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म सेल करेंगे बट दे विल नॉट टेल यू दैट. और मतलब इसकी कई एग्जाम्पल्स है, मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको शायद आइडिया हो या ना हो. मिसाल के तौर पर आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर और नॉट, आई हैव सीन इन माय लाइफ टाइम पीपल सेलिंग कंप्यूटर्स जिनमें 16 GB रैम लगी होती थी या 8 GB रैम लगी हुई है और उसके ऊपर विंडोज 32 बिट विंडोज चल रही है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद 32 बिट विंडोज? हाँ, 3.78 या 3.8. अब देखें, अगर आपके पास 16 GB रैम लगी हुई है इसका मतलब है कि मैं 16 GB रैम को किस तरह इस्तेमाल करूंगा. अगर मैं 16 के 16 GB एड्रेस कर सकूं, इफ आई कैन रीच ऑल द लोकेशन ऑफ द मेमोरी, अगर मेरी एड्रेसिंग केपेबिलिटी इज लेट्स से 4 GB, सो आई कैन नॉट एड्रेस मोर देन 4 GB. डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? आई कैन नॉट एड्रेस मोर देन 4 GB ऑफ लोकेशंस, बट आई हैव 16 GB ऑन रैम. आई हैव द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल विद 32-bit सिस्टम्स, 32-bit विंडोज या 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वो आके जी मैंने ना उन्होंने रैम बढ़ा दी है. वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि, बट दिस इज ऑल्सो अ केस वेयर देयर हैज टू बी अ कंपेलिंग केस. लाइक हम लोग काम कर रहे हैं प्रीटी कटिंग एज राइट नाउ, ठीक है. तो चीज ये थी, एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ ना अपनी, तो मेरे लिए ज्यादा वाइबल सोल्यूशन होगा कि मैं एक सिस्टम लूँ ना 128 GB तक का, उससे ज्यादा मेरे लिए वाइबल सोल्यूशन होगा कि मैं 2 कंप्यूटर ले लूँ 64 वाले, ये और उससे ज्यादा वायबल होगा कि 4 32 वाले. दैट इज गोइंग टू गिव मी ट्रू वायबिलिटी अगर मैं रैम की बात करूं. तो फिर ये होता है कि वेयर इज दैट लाइन, क्योंकि इट्स नॉट अ कॉस्ट इशू बाय द वे, इट्स रियली नॉट अ कॉस्ट इशू बिकॉज एसेंशियली रैम इज क्वाइट चीप. डी रैम की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग इट्स चीप चीप, इट्स नॉट लाइक के चिली मिली ले लें या रैम ले लें, ठीक है, बट इट्स cheaper than cash, it's cheaper than processors, right? But agar aap dekhen ke this is aap isko padhiyega, this is an interesting, isme itne research hui hai, agar aapke paas koi cutting edge isme wo hai to we can, you should contribute that thing, theek hai. Bharat, coming back to this thing, architecturally hamare liye kya hai कि यूजर की तरफ से नई डिमांड्स आ रही हैं, नई किस्म की डिमांड्स आ रही हैं, यूजर जो है और नए हार्डवेयर के साथ हमारे पर नए इश्यूज आ रहे हैं, नए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. और हमने ये देखना है कि हम इन, ये जो आर्किटेक्चरल लेयर है ये वाली, इसमें एज एन आर्किटेक्ट वी वॉन्ट टू सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है. Architectural changes are going to manifest themselves onto hardware and they would have some kind of cost on this thing. Lekin kyunki aapke paas umumi taur pe operating system based systems hain to itna bada cost nahi hota. To isliye aap dekhte hain ki aapke paas bahut sare incremental changes aa rahi hoti hain on processor families. Aur umumi wo kya hote hain ki jab wo ek upgrade leke aate hain aur aapne shayad, ab mujhe nahi pata aap hardware, by the way main hardware se baat kar raha hu, processor ki. To processor ki jo generations ko follow kar rahe hain, तो ये बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि एक अपग्रेड आता है और वो अपग्रेड जो है ना वो फ्लॉप होता है.
फिर उसके फॉरन बाद एक अपग्रेड आता है वो बड़ा कामयाब होता है, फिर उसके बाद एक अपग्रेड आता है वो फ्लॉप होता है, फिर दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड. सो आई एम नॉट सेइंग दैट्स डेफिनेटिव बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग हैज बीन ऑब्जर्व. और मूवमेंट क्या होता है कि वो उसमें किसी किस्म की वो जिद्दत लेके आते हैं, कोई कोई नया हार्डवेयर कैपेसिटी ऐड करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस जो उन्होंने फिगर आउट पहले नहीं किया होता. एंड देन जब वो रिलीज मॉडल में आता है एंड दे स्टार्ट गेटिंग प्रॉब्लम्स एंड बग्स, जैसे ओके इस किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन दे सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स एंड यूजुअली द सॉल्यूशंस आर आर्किटेक्चरल. So let's look at some examples. I hope you're following the course. Actually, ये हमने देखा है. Let's say कि हम एक example है. This is a case study. So ये case study बड़ी interesting है. ये case study basically यही है. एक ये एक example है कि एक नई technology introduce की गई main memory के अंदर. ठीक है. और main memory में जब वो technology introduce की गई तो the purpose of that new that innovation was that it was supposed to increase the speed of the so let's say average speed sorry so average latency improve karni thi of the main memory by virtue of making it more available. theek hai. and main aapko before I go into it main aapko ek draw karke sarasri se bata deta hu. I think I have the pen somewhere. theek hai. यहाँ ड्रॉ कर दूँ, नजर आ रहा है सर? आपकी तरफ से उधर से वो कह रहे हैं नहीं. ठीक है. बेस्ट वैसे ये जगह एक सेंटर में. सो द आइडिया इज सो आइडिया हाउ डज अ मेमोरी वर्क. सो आई एम गोइंग टू स्किप सम ऑफ द स्लाइड्स. बाय द वे द स्लाइड्स विल बी अवेलेबल टू यू, तो यू कैन रीड देम इन डिटेल, लेकिन आई'd रादर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टू यू. ठीक है. तो मेमोरी के अंदर आपको पता है कि मेरे पास मेमोरी रोज एंड रोज ऑफ कैपेसिटी है. राइट. अब लेट्स से क्या कर लें. सो डू यू वांट टू कॉल इट एन 8-bit सिस्टम. लेट्स से इट्स एन 8-bit सिस्टम. तो ये समझ लें कि एक यूनिट जो है ना ये 8-bit है. ये एक सो दिस इज लेट्स से एड्रेस 0 ऑफसेट 0 1, 2, 3 and so forth. See? By the way, this is a logical view. तो आप समझ लें कि आपके पास तो ये मेरा एक डेटा 8-bit का नजर आ रहा है आप लोगों को. तीन ये अगला डेटा, फिर ये अगला डेटा 8-bit का एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन आई हैव अनदर रो एंड आई हैव अनदर रो एंड दिस इज माय मेन मेमोरी. एंड आई हैव मे बी यार ये पेन मार्कर बहुत ही फारे हुए. मेरे पास कुछ कंट्रोल पिन होंगी. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस होंगी. मे बी द इंस्ट्रक्शन इज आई वांट टू रीड एंड देन आई विल हैव एन एड्रेस डिकोडर. यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एड्रेस डिकोडर होगा. ठीक है. अब डिकोडर कह रहे हैं तो लेट्स से पुरानी मेमोरी होती थी, उसमें होता था कि लेट्स से कि मैं से कह रहा हूँ कि मैंने राइट करना है. तो मैं राइट करूंगा तो आई एल बी सेंडिंग वन ऑफ दीज थिंग्स. ये जो ये इस तरह का ब्लॉक है ना, ये होगा ना एक. अगर आप गौर करें इस तरह की चीज थी ना, मैं कहता था एल डी एस एक्स कॉमा R16, जिसमें एक्स जो है वो एड्रेस है इस लोकेशन का और 8-bit का 8-bit का डेटा R16. तो ये जब x इधर आ रहा है तो ये जो डिकोडर है वो उसको डिवाइड कर देगा इनटू सम काइंड ऑफ स्कीम. दैट इज सो x इज एक्चुअली गोइंग टू रिप्रेजेंट ए रो एंड अ कॉलम. ठीक है. तो इसका एक रो पार्ट होगा, एक कॉलम पार्ट होगा. ठीक है. तो ये रो इसमें से निकल आएगा और कॉलम निकल आएगा. तो वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू गो टू द रो and then based on that is going to go to the column. So if this is the row and let's say this is the column, theek hai, to ye yahan pahunch jayega aur ye kya kahega likho.
But the idea was that this process of going to the row and column is a very slow process. I mean, slow and fast kuch bhi nahi hota, it's all relativity. So jab ye DRAM aayi thi to ye bada acha process tha. But then it was thought that there are some areas where this can be improved. Now, aapko pata hai ki memory ki jitni bhi improvements hain, there's a concept of locality. But do you understand locality? Locality ka pata hai? Aapke neighborhood, right? And the idea is that generally speaking, if you are doing a memory operation, agar aap memory mein koi read kar rahe hain ya write kar rahe hain, to uske baad jo memory read aur write hoga, wo kisi close neighborhood mein hoga. तो ये एक स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है इन कंप्यूटिंग. ये बात समझ आ रही है? ये नहीं कि मैंने कोई मेमोरी ऑपरेशन किया है राइट टू दिस लोकेशन या रीड फ्रॉम दिस लोकेशन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट माय नेक्स्ट रीड और राइट इज गोइंग टू बी इन द नेबरहुड इज क्वाइट हाई. ये बात बेटा समझ आएगी आपको? आपका नाम क्या था जी? फैसल. फैसल समझ आया? ठीक है. डीफ्रेगमेंटेशन जो हार्ड ड्राइव पे करते हैं, वैसे मेन मेमोरी भी नहीं करते डीफ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो ठीक है, एंड दैट इज वी कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग राइट नाउ. ठीक है, बिकॉज डीफ्रैग आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि एक्चुअली द ऑपोजिट कैन हैपन, बट द रीजन फॉर दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट रीजन. ठीक है, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बट अगर आप उसे डिस्कस कर रहे हैं आई विल एक्सप्लेन टू यू आफ्टर द क्लास. ठीक है, ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता. अच्छा, इन्होंने कहा कि जी दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक एंड वी नो दैट द डी रैम इज ड्रास्टिकली स्लोअर देन द प्रोसेसर. अच्छा, पहले ने काम ये किया कि उन्होंने कहा कि ये बिजी बहुत देर तक रहता है, तो हम एक काम करते हैं कि एक बफर बना लेते हैं. ठीक है, एड्रेस बफर. इनफैक्ट इसको यहां बना लेते हैं. उन्होंने कहा कि ये हमारी जिद्दत है, एड्रेस बफर. ठीक है, अब इसका क्या फायदा था? वो कहते हैं कि जब प्रोसेसर मेमोरी से बात नहीं करता तो वो मेमोरी से बात नहीं करता, लेकिन जब वो मेमोरी से बात करता है तो बड़ी तेजी से बात करता है. तो हम ये नहीं चाहते कि प्रोसेसर जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर बैठ के वो. ठीक, और इसमें क्योंकि मैं राइट कर रहा हूं तो मेरे पास रिक्वेस्ट बफर भी है, मेरे पास डेटा बफर भी है. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो प्रोसेसर ने मुझे एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी, अच्छा मुझे देखिए प्रोसेसर तो एक के बाद एक भेज रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा मेन मेमोरी जो है वो उससे बहुत स्लो है, तो उसको लग रहा है कि मेरे पास एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई. तो वो हम चाहते हैं कि प्रोसेसर हमें दे के मेमोरी को फारिग हो जाए और प्रोसेसर अपना काम करता रहे उसके बाद, और हम उसको गारंटी करेंगे कि जो जो उसने काम हमें कहे मेमोरी को वो हम कर लेंगे, लेकिन अपने पेस पे कर लेंगे. तो उस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए आर्किटेक्चरली इट वॉज एडवाइज्ड कि यू शुड हैव बफर्स. तो फर्ज करें एक रिक्वेस्ट आई, मैंने बताया एक्स एड्रेस पे ये करना है, वाई पे ये करना है, जेड पे ये करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बाय द वे याद रखिएगा, जो एक्स है वो किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, वाई जो है वो किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, और जेड जो है वो किसी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, और सब में रो एंड कॉलम इंफॉर्मेशन होगी. उन्होंने कहा डेटा भी बफर में स्टोर करते जाओ. उसके बाद क्या होगा कि आराम से मैं वाई एक्स को एक्स वाले को राइट कर दूंगा डेटा एड्रेस, फिर वाई वाला डेटा को राइट कर दूंगा. ठीक है, बस जेड वाले डेटा को राइट कर दूंगा. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यहां तक फॉलो करें मुझे? तो ये इंप्रूवमेंट है आर्किटेक्चरली. पहले ये था कि अगर प्रोसेसर मेन मेमोरी से डायरेक्ट बात कर रहा है, बाय द वे अज्यूमिंग, एक्चुअली अब नहीं होता, लेकिन अगर वो डायरेक्ट बात कर रहा है तो डायरेक्ट बात करते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, हर इंस्ट्रक्शन के बाद उसको इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो लिख के फारिग होगा और वो कहेगा कि मैंने लिख लिया है, तो वो क्या करेगा, अगली राइट इंस्ट्रक्शन भेजेगा. ईप्रॉम में याद है हम किस तरह करते थे? जब तक राइट कंप्लीट ना हो जाए मैं अगली राइट नहीं कर सकता. हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, यहाँ पे बफर लगा दिया, एड्रेस बफर, डेटा बफर. अगर तुम्हारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है मुझे देने के लिए, मुझे दे दो, मेरे पास एक कैपेसिटी है, मैं इनको हैंडल कर लूंगा, उसके बाद तुमने जो काम करना है करते रहो, एंड वी विल सी. राइट, इसके में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बाय द वे, यू कैन सी दैट, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी हो रीड कर रहे हैं, मैं भी उसमें नहीं जाऊंगा, बट वी विल सी ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. आज हमारा एप्रिसिएशन का दिन है.
फिर बाद में एक और इसमें जिद्दत आई, उसने कहा कि जब ये हम कर रहे होते हैं ना तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम एक चीज ले लेते हैं, रो बफर. लेट्स टेक अ थिंग कॉल्ड अ रो बफर. मैं पूछा भी रो बफर क्या है, कोई आइडिया रो बफर क्या चीज है? तो ये जिद्दत ये थी कि भाई जब कोई रिक्वेस्ट आए ना किसी रो के लिए, तो काम करो कि इस पूरी की पूरी रो को उठा के यहां पर रख दो रो बफर. एंड वॉट इज दी, सो देयर इज एन ऑप्टिमाइजेशन टू बी मेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी. वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी? दैट इफ वन लोकेशन इज बींग एक्सेस्ड बाय द मेमरी, देन द प्रोबेबिलिटी that the next one is in close proximity is quite high. Iska matlab hai ki it's quite probable ki agar main yahan pe write read kar raha hu to agli read and write jo hai main iske aas paas kahin kar raha hu. To unhone kaha ki row buffer dal do, aur uska unhone kaha ki jab yahan pe request aaye na to ye queue nahi hogi, ye priority ki hogi. To farz karne ki is waqt row 2 jo hai maine load kar li hai na, to main isko decode karunga, isko decode karunga, isko decode karunga. तो मैं देख फर्स्ट करें कि लेट्स से कि दिस इज माय एक्स, दिस इज माय जेड, दिस इज माय वाई. तो क्यू में एक्स वाई जेड पहले आया ना, लेकिन एक्स भी रो टू और जेड भी रो टू में है. तो वो क्या करेगा कि पहले, हाँ तो वो क्या करेगा कि एक्स को पहले करेगा, उसके बाद जेड को करेगा, और फिर वो पूरे उसको ट्रैवर्स करेगा, देखेगा कि रो टू के लिए कोई और तो नहीं मौजूद. अगर रो टू के लिए कोई और मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको वहां पे राइट कर देगा, और फिर देखेगा अब कौन सा है नेक्स्ट. तो अब कौन सा है, वाई है, वाई जो है मे बी रो एट के लिए, अब वो क्या करेगा रो एट को लोड कर लेगा. तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन है आर्किटेक्चर. बात समझ आ रही है? एक ये ऑप्टिमाइजेशन थी, उसके बाद ये ऑप्टिमाइजेशन हम जो आगे भी देखेंगे, इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैशेस को देखेंगे, कैशेस क्या होती है. तो कैशे बताते खुद, द होल आइडिया ऑफ L1, L2, L3 कैशेस इज अबाउट ऑप्टिमाइजिंग इट आर्किटेक्चरली. तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है आपने. बाय द वे इसकी स्लाइड्स बनी हुई है, मैं उन स्लाइड्स के ऊपर डिस्कशन में टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया. हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, दिस इज एक्चुअली पेपर, इसका मैंने कहने की मेंशन किया हुआ है. AMD का प्रोसेसर है, इसके ऊपर उन्होंने AMD बार्सिलोना इज द नेम ऑफ द प्रोसेसर व्हिच हैड 4 कोर्स. इट हैड, सो एवरी कोर हैड इट्स ओन L1 L2 कैशे, हर एक के L1 L2 L3 जो है वो शेयर्ड है, और मेन मेमोरी जो है वो शेयर्ड है. ठीक है, और ये सारी जो कंट्रोल कर रहा है वो डीरैम कंट्रोलर कर रहा है, तो डीरैम कंट्रोलर भी इनका शेयर्ड है. ठीक है, तो अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी. दिस इज द पेपर बाय द वे, इफ यू वांट टू, 2007 का पेपर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. इसमें अगर आप ये देखें कि एक प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम, ठीक है, उसको मैटलैब पर रन किया गया और उसको GCC पर रन किया गया. एक में एक ही प्रोसेसर का कोर 0 और उसका कोर 1. तो जब इसको अकेले चलाया, जब मैटलैब वाले प्रोग्राम को अकेले चलाया, तो उसकी जो लेटेंसी थी उसकी ये लाइन है. और जब GCC के ऊपर अकेले चलाया तो उसकी लेटेंसी की ये लाइन है. ठीक है, सो दे वर टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑन मैटलैब एंड GCC. यहां तक क्लियर है? फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे, तो दोनों में स्लो डाउन आया. दोनों जो है, यानी कि उसने अपना टास्क में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया और इसने अपने टास्क में बहुत ज्यादा टाइम लिया. तो गौर करें कि इसने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, सो ये क्या चीज है, ये जो एरिया कवर हो गया ये इसका स्लो डाउन है. तो दिस स्लो डाउन बाय 1.07 अबाउट 7% rather, एंड बट दिस स्लोड डाउन 200%. लाइक इट वॉज टेकिंग ट्वाइस एज मच टाइम मोर वेन यू वर रनिंग इट साइमल्टेनियसली. नाउ स्लो डाउन वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको अकेले अकेले चला रहा हूं ना,
तो मैं एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इसको चलाऊंगा और उसके बाद एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में इसको चलाऊंगा. लेकिन अगर मैं उनको साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि दिस विल बी स्लोअर देन अगर ये अकेला चल रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लोअर अगर ये अकेला चल रहा है, लेकिन क्यूम्युलेटिवली दे शुड बी फास्टर. ठीक है. बट द प्रॉब्लम वॉज और द डेमोन्स्ट्रेटेड प्रॉब्लम दैट यू कैन रीच अ सिचुएशन वेयर द टास्क विच आर द एग्जैक्ट सेम टास्क बींग रन बाई डिफरेंट प्रोसेसर्स सॉरी प्रोसेसिस वन कैन बिकम ड्रास्टिकली स्लोअर देन द अदर. तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें एक और काम किया. आपको पता है कि लिनक्स के ऊपर आप थ्रेड लेवल प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. तो फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि इसकी प्रायोरिटी हाई कर दें, इसकी प्रायोरिटी लो कर दें. उसके बाद भी रिजल्ट जो है ना वो इसी तरह का. अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि थ्रेड सो द ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड्स दैट दिस थ्रेड हैज हायर प्रायोरिटी एंड दैट थ्रेड हैज अ लोअर प्रायोरिटी. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ थ्रेड कॉन्फ्लिक्ट. एक्चुअली प्रॉब्लम वॉज के आप ये जो प्रॉब्लम थी ये मेन मेमोरी की प्रॉब्लम थी और एक्चुअली प्रॉब्लम जो था वो यहां से आ रहा था. अब मैंने जो आपको कहानी सुनाई है तो मैं आपको ये बता भी देता हूँ. सो आई एम डिक्लेयरिंग दैट दिस द प्रॉब्लम वॉज दैट द मैटलैब वॉज अ मेमोरी हॉग बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डीरैम. आप कोई गेस कर सकते हैं कि वो मैटलैब क्या ऐसी हरकत कर रहा है या मैटलैब के प्रोग्राम में और जीसीसी के प्रोग्राम में क्या फर्क है जिसकी वजह से दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम. दैट इज नॉट बिकमिंग अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली दिस थिंग. सो हिंट ये है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो हमने जिद्दत दिखी थी जो बड़ी अच्छी जिद्दत हमें नजर आ रही थी अच्छी थी ना जब तक मैंने आपको समझाया था क्योंकि एवरी टाइम वी डिड दिस वी वर गेटिंग इंक्रीज स्पीड्स बेटर लेटेंसी ऑन एवरेज. बट ऑन दिस पेपर दे एक्चुअली शोड By the way, this was a deliberate design decision. So on average, it was not doing this. Like, they made a, you know, agar aap gaur karein, kya hai? Memory performance attack, denial of memory services. So basically, it's a sort of a cheat in it. And so that, jisne ye program banaya tha, usko pata tha ki ye architecture ki shakal ye hai, memory ki. Aur usne is ko exploit kiya. Theek hai? Aapke khayal mein kaise exploit kiya hoga? जी जी काशिफ रोज ऑक्यूपाई ऐसे ही बताइए ये क्या था इसमें पता की क्या चीज है. दिस इज द की. व्हाट इज दिस थिंग? व्हाट काइंड ऑफ क्यू इज दिस थिंग? डिड आई टेल यू दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू एंड द प्रायोरिटी वुड इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी. आप इमेजिन करें कि अगर मुझे ये पता हो कि प्रायोरिटी क्यू है और मैं इस किस्म का फिनोमेना जनरेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा जी? नहीं नहीं देखिए पहली बात तो ये है कि जो पहली प्रायोरिटी वैसे भी जीसीसी की थी थ्रेड लेवल पे, लेकिन मैं मेमोरी आर्किटेक्चर को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ टू जनरेट दिस रिजल्ट. थोड़ा सा आपकी बात सही डायरेक्शन में, बहुत सही डायरेक्शन में. मैं मेक श्योर करूंगा कि ये जो है जो भी डेटा राइट कर रहा है वो लोकेलिटी में कर रहा हूं और ये वाला जो है ये डिफरेंट लोकेशन से डेटा उठाना शुरू कर दे. अगर मैं इस तरह का प्रोग्राम लिखूं कि ये जो है हर साइकिल में फर्ज करें दोनों साइक्लिकली चल रहे हैं और मैं मेक श्योर करूं कि यहां पे जितने भी डेटा रीड राइट हो रहा है वो कंजेकटिव लोकेशन में हो रहा है और यहां पर मैं मेक श्योर करूं कि वो बिल्कुल रैंडम लोकेशन में हो रहा है, then I can generate this effect. अब सवाल यह है कि यह होना नहीं चाहिए और जैसे मैंने कहा ना कि this is a cheat sort of, because normal operation में ऐसा नहीं होता क्योंकि the whole point of locality is statistical reality. But what they demonstrated was number one that this is possible. There is a possible case कि एक high priority thread हो. So this is actually a high priority thread insofar that thread is concerned. बट मे बी जेन्युइनली इसकी नेचर ऐसी हो सकता है ना, जेन्युइनली इसकी नेचर ऐसी हो कि उसने अलग अलग मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना हो. तो ये क्या कर रहा है कि ये जो इंप्रूवमेंट इन द आर्किटेक्चर इज गोइंग टू व्हाट मेक दिस अ मेमोरी हॉग एंड इट इज गोइंग टू टेक दिस इनटू स्टार्वेशन. हम इसे कहेंगे स्टार्वेशन में ले गए
तो मिसाल के तौर पे साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट आ रही है, मैं तो ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी ड्रॉ कर लिया है, बैक वक्त रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक हमारा मैटलैब एक जीसीसी है, ठीक है, तो मेरी मैटलैब से रिक्वेस्ट आ रही है और मेरी जीसीसी से आ रही है, और जो एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस है, तो फर्ज करें कि मैं कह रहा हूं मुझे एन और अगली रिक्वेस्ट एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर एंड सो ऑन, और फर्ज करें कि ये जो है वो सारे के सारे रो थ्री में है, ठीक है, इनकी तादाद जो है लेट्स से 100 है, और उसके बाद ये सारे के सारे रो फाइव में है या फोर में है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो आ रही है रिक्वेस्ट, तो एक रो फाइव में है, एक रो 101 में है, एक रो 50 में है, एक रो 47 में है, एक रो 53 में है, एक रो 81 में है, सो ऑन सो फोर्थ, अब तादाद सेम है, तो वो जो इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर है वो क्या करेगा कि जब वो रो थ्री उठाएगा, अब ये हो सकता है कि ये रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली आ रही है, तो उसने रो थ्री उठा ली है, अब वो कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट है रो थ्री के लिए और ये रिक्वेस्ट है रो फाइव के लिए, और ये भी रो थ्री के लिए है लेकिन ये रो, ये भी रो थ्री के लिए, ये तो क्या करेगा कि वो जब तक वो रो थ्री से फारिग नहीं हो जाएगा, जब तक वो उधर नहीं जाएगा, और इस फिनोमेना को मैं और भी बुरा कर सकता हूं, पता किस तरह से, नहीं नहीं कि ये वाली अगर है ना, और मैं यहां पे कर दूं रो वन रो टू रो थ्री आगे पीछे भेज दूं, उसके बाद मैं करूं रो वन रो वन रो वन रो वन की 100, और फिर रो टू रो टू रो टू की 100, और रो थ्री रो थ्री रो थ्री की 100, तो आई कैन एक्चुअली मेक श्योर बाय डिजाइन कि उसकी कभी बारी नहीं आएगी, तो प्रोसेसर ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको कर दिया है, मेन मेमोरी जो है वो बेसिकली होगा क्या कि एट बेस्ट उस हो सकता है कि उसकी रिक्वेस्ट पहले आए, फर्स्ट रिक्वेस्ट, तो वो पहली रो को रो बफर में डालेगा, उसको सर्विस करके अगली देखेगा, तो अगली देखेगा कि उस वाली की आई हुई है रो वन की, समझ रहे बात को, कर करा के, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये होगा कि एक पॉइंट पे आके क्या करेगा कि वो जो है जो दूसरा प्रोसेसर है जीसीसी, उसको बारी नहीं आएगी मेन मेमोरी में, जब वो बारी नहीं आएगी मेन मेमोरी में, इट्स नॉट गोइंग टू सेंड एनी डेटा बैक, एंड देन इट बिकम्स आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स अ फंक्शन ऑफ द मेमोरी, बिकॉज फर्स्ट करेंगे एक पॉइंट पे आके जब वो उसने फारिग हो गया ना, अब गौर करें कि आप कहेंगे यार इसको ऊपर डबल होना जाना चाहिए था, ये तीन गुना क्यों बढ़ गया, मतलब डबल सॉरी ओरिजिनल से डबल टाइम लेता है, तीन गुना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि जब अब फर्स्ट करें इसकी बारी आई है, तो नाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू वेट फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन फॉर एज लॉन्ग एज द मेमोरी इज गोइंग टू जनरेटेड, ठीक है, द होल आइडिया इज कि आप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर आपका जो प्रोसेसर है वो कुछ मेमोरी से बात कर रहा है, फिर कुछ और कर रहा है, फिर कुछ मेमोरी से बात कर रहा है, कुछ और कर रहा है, और इस चीज के अंदर आप इस चीज को हाइड कर सकते हैं कि योर मेमोरी इज स्लो, बट इफ यू डूइंग लाइक बैक टू बैक मेमोरी ऑपरेशंस, इवेंचुअली योर मेमोरी इज गोइंग टू बी द थिंग विच इज गोइंग टू कंट्रोल द स्पीड, ठीक, ये समझ आ गए, मेरे ख्याल टाइम हमारे क्लास का हो गया, स्लाइड में ठीक है, ये सारी डिस्कशन जो हमने अभी की है ना, ये मैंने ये सारी की सारी यहाँ पे, ये सारी डिस्कशन यहाँ पे स्लाइड पे मौजूद है विद दिस एनिमेशन, तो लिटरली वो इस तरह से है कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास, कोई सवाल नहीं, समझ आ रही नहीं समझ आ रही, हम एक या दो केस स्टडीज और करेंगे, उसके बाद फिर हम जाके आगे मूव करेंगे, ठीक है, आई होप यू गेट एन अप्रिसिएशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म अगर हम लेके आते हैं उसके से हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, सो इट्स नॉट easy, it's not a walk in a park, then it's going to, and then we've just looked at an idea that you can make improvements, but those improvements can actually sometimes cause problems. Hum kal jo next class mein ek example dekhenge to usme hum ye dekhenge ki hardware ke andar kya problem, so that we had an improved idea and that improvement causes a problem in the hardware, so the hardware phenomena ek jo pehle nahi tha wo generate ho jata hai.
ठीक है, वो अगली क्लास में देखेंगे एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़